मन एक भीरु शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। प्रेमचंद अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। जवाहरलाल नेहरू विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्वांधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। रवींद्रनाथ ठाकुर ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए जहां धन तो है लेकिन सम्मान नहीं। विनोबा अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। भगवान बुद्ध मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वह है उसका अज्ञान। चाणक्य इच्छाएं ही सब दुखों का मूल कारण है। भगवान बुद्ध से भी पढ़े, जरा याद करो कुर्बानी, आजादी को समर्पित महापुरुषों के साथ अद्भुत कथन। यदि मार्ग कांटों भरा हो और आप नंगे पांव हो तो रास्ता बदल लेना चाहिए। चाणक्य वाणी के बजाय कार्य से दिए गए उदाहरण कहीं ज्यादा प्रभावी होते हैं। अज्ञात मनुष्य का पतन कार्य की अधिकता से नहीं वरन कार्य की नियमितता से होता है। अज्ञातः काय आदमी अपनी मौत से पहले न जाने कितनी बार मरता है। अज्ञात जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। ओशो क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने के बजाय दूसरों के हृदय को ज्यादा दुखाता है। मुंशी प्रेमचंद सारा हिंदुस्तान गुलामी में घिरा हुआ नहीं है, जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा पाई है और जो उसके पास में फंस गए हैं वे ही गुलामी में घिरे हुए हैं। महात्मा गांधी मानव जीवन धूल की तरह होता है, हम इसे रो धोकर इसे कीचड़ बना देते हैं। बकुल वैद्य सौंदर्य और विलास के आवरण में महत्वाकांक्षा उसी प्रकार पोषित होती है जैसे म्यान में तलवार। रामकुमार वर्मा जिस प्रकार बिना जल के धान नहीं उगता उसी प्रकार बिना विनय के प्राप्त की गई विद्या फलदायी नहीं होती। भगवान महावीर अकर्मण्यता के जीवन से यशस्वी जीवन और यशस्वी मृत्यु श्रेष्ठ होती है। चंद्रशेखर वेंकट रमन सत्य से कीर्ति प्राप्त की जाती है और सहयोग से मित्र बनाए जाते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र जिस प्रकार जल कमल के पत्ते पर नहीं तैरता है उसी प्रकार मुक्त आत्मा के कर्म उससे नहीं चिपकते हैं। छांदोग्य उपनिषद कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त हैं, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद जैसे सूर्य आकाश में छुप कर नहीं विचर सकता उसी प्रकार महापुरुष भी संसार में गुप्त नहीं रह सकते। व्यास से भी पढ़े, तीन बातों को पिटारा, जिंदगी में सफल होना है तो हमेशा ध्यान रखे तीन बातें। पुरुषार्थ से दरिद्रता का नाश होता है, जप से पाप दूर होता है, मौन से कलह की उत्पत्ति नहीं होती और सजगता से भय नहीं होता। चाणक्य शासन के समर्थक को जनता पसंद नहीं करती और जनता के पक्षपाती को शासन। इन दोनों का प्रिय कार्यकर्ता दुर्लभ है। पंचतंत्र ख्याति नदी की भांति अपने उद्गम स्थल पर क्षीण ही रहती है किंतु दूर जाकर विस्तृत हो जाती है। भवभूति कुमंत्रणा से राजा का, कुसंगति से साधु का, अत्यधिक दुलार से पुत्र का और अविद्या से ब्राह्मण का नाश होता है। विदुर सारा जगत स्वतंत्रता के लिए लालायित रहता है फिर भी प्रत्येक जीव अपने बंधनों को प्यार करता है। श्री अरविंद बुद्धि के सिवाय विचार प्रचार का कोई दूसरा शस्त्र नहीं है क्योंकि ज्ञान ही अन्याय को मिटा सकता है। शंकराचार्य खुद के लिए जीने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देता पर जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिए जीते हैं। श्री परमहंस योगानंद सब बच्चों को पालना, उन्हें अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना भी सेवा कार्य है क्योंकि यह उनका जीवन सुखी बनाता है। स्वामी राम सुखता प्रेरकन मूल विचारों तथा कथनों का विशाल संग्रह पढ़ें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब दिस चैनल्स। धन्यवाद।